अरे कथा का दान तो सबसे बड़ा दान होता है। जितने भी दान हैं, सबसे बड़ा दान है कथा का दान। हमारे पास लोग जब हमारी कथा को लेने आते हैं कि आपकी कथा करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले लोग यही पूछते हैं कि आप कथा का कितना लेते हैं। देखिए कथा का कितना लेते हैं, जिस दिन हम बता देंगे ना, तो कथा के बदले आप लोग कुछ दे भी नहीं सकते। पहली बात, जो तत्व ज्ञान आपको बताया जा रहा है वो पढ़ के समझ में नहीं आ सकता। कितनी आप लोग रट ले श्रीमद् भागवत को, चाहे आप लोग रामायण को रट ले, चाहे गीता को रट ले, किसी को भी रट ले, ये पढ़ने और रखने मात्र से ज्ञान नहीं हुआ करता। ये तो केवल अनुभवी ज्ञान है। तो जिस दिन हम कथा के बदले अपनी डिमांड बता देंगे, तो फिर आप लोग कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम कभी कोई डिमांड नहीं बताते, आप लोगों की जो श्रद्धा। क्या कथा को बेचा जा सकता है या खरीदा जा सकता है? ना उसको बेचा जा सकता है ना खरीदा जा सकता है। केवल कथा एक ऐसा दान है जिसमें दान देने वाले का कल्याण होता है और लेने वाले का भी कल्याण होता है। बाकी दान में देने वाले का कल्याण होता है, लेने वाला क्या, वो तो भिखारी है, ले ही रहा है। लेकिन कथा का दान ऐसा है जिसका कोई मूल्य भी नहीं है, उसका कोई मूल्य दे भी नहीं सकता। तो इसलिए जो लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, पहली बात तो प्रश्न है, और जो उसकी डिमांड करते हैं वो उससे भी बड़े मूर्ख हैं कि कथा को बेचते हैं। तो ये कथा बेचने की चीज नहीं है, ये तो दान करने की वस्तु है। जितना हम कथा का दान करेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। आप लोगों ने यहाँ पर कथा का जो आयोजन किया है, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इस कथा को श्रवण करेंगे उतना ही अधिक करवाने वाले का कल्याण होगा। भले ही आप कितने पुण्य कर जाइए, कुछ भी कर जाइए, उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके करवाने से जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के इसका रसपान करेंगे, उतना ही अधिक करवाने वाले को लाभ मिलता है। और हम सोचे कि अरे ठीक है, हम सुन ले, बाकी सुने चाहे ना सुने, तो ये हमारा दान नहीं हुआ। इसमें तो आप लोगों को प्रयास करना है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के लाभ ले सके। और जितने लोग प्रयास करेंगे, जो जो प्रयास करेगा उसको व्यक्तिगत स्वयं का लाभ होगा। सबसे बड़ी भक्ति तो यही है कि भगवान की भक्ति का प्रचार करना। हम लोग केवल भगवान की भक्ति का ही प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले। तो आप लोग जो आयोजन करवाया है जो आप लोगों ने, तो आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जितने अधिक से अधिक लोग हमारा इस कथा का लाभ लेंगे उतना ही अधिक हमारा कल्याण होगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो कथा का दान सबसे बड़ा दान होता है। तो जितने लोग सुनेंगे तो हमारे द्वारा ये दान ही होगा। तो सुखदेव परमहंसी ने हम देवताओं को भगा दिया, कहा कि तुम लोगों को कथा का महत्व तक नहीं पता, तो तुम क्या कथा का दान लोगे, क्या उसका महत्व समझ